वेलकम बैक टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन एंड मोल फ्रैक्शन से डील करेंगे। आई स्टार्ट करते वीडियो सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील अबाउट पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब यहां से आपको इसको सबसे पहले डिफाइन करना है और इसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मास परसेंटेज। जो मास परसेंटेज की डेफिनेशन थी, सेम टाइप की डेफिनेशन है पार्ट्स पर मिलियन की, बस एक स्मॉल चेंजेस क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कितना पार्ट होगा। वहां पर जो सॉल्यूशन था वो आप मेंशन कर रहे थे 100, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका कितना पार्ट होगा, 1 मिलियन पार्ट्स होगा। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते, व्हाट इज द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका कितना पार्ट है आपके पास, 1 मिलियन पार्ट। तो इस 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स है वो सॉल्यूट के प्रेजेंट है, इसी को अपन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स पीपीएम बोलते हैं। अब यहां पर इसका फॉर्मूला अपन जनरेट करेंगे। डियर फ्रेंड, आपको ये पता रखना कि जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, आप इसको मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हो। यहां पर मैं जो जनरली बात करूंगा पीपीएम की, ये मैंने इसको किस में डिफाइन करना है, मेरे को मास परसेंटेज के लिए मैं पार्ट्स पर मिलियन है इसको कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा जो फॉर्मूला आपके पास मास परसेंटेज का था, सिमिलर फॉर्मूला किसका है, पार्ट्स पर मिलियन का। बस एक स्मॉल चेंजेस क्या आएगा, मास परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई करते थे 100 से और पीपीएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मिलियन से। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, वेट ऑफ सॉल्यूट पार्ट्स पर मिलियन है, इसको अपन फॉर्मूला इसका फ्रेम कर रही है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का वेट आपको किसमें मेजरमेंट करना है, ग्राम में, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेट भी किसमें आप मेजरमेंट करोगे, ग्राम में, एंड मल्टीप्लाई विद दिस। अगर यहां पर परसेंटेज मास या मास परसेंटेज के बारे में डील करते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे होता है, 100 से, और यहां पर आप किससे डील कर रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन, तो मीनिंग आपको इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मिलियन से, दैट मीन्स 10^6। तो ये आपने फॉर्मूला फ्रेम कर दिया पार्ट्स पर मिलियन का। क्या फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन का, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम एंड मल्टीप्लाई भी 10^6, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और अगर आपको यहां पर डब्ल्यू बाई वी की बात करें, मास वॉल्यूम परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई विद 10^6। अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना हो वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई विद 10^6। तो इस वाले फॉर्मूले का आप इजीली क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, जिसे जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मेंशन कर रखी है, क्या बोल रखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ए सी वॉटर सैंपल कंटेन 8 × 10^-3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर किलोग्राम, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन। मीनिंग आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है आपको कौन सी टर्म में कैलकुलेट करनी है, पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स पीपीएम में आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जो आपको एक सी वॉटर का सैंपल आपको गिवन है, इस सी वॉटर के सैंपल में कितना ऑक्सीजन डिजोल्व है, क्योंकि यहां पर आपके लिए ऑक्सीजन है वो किसका वर्क कर रहा है, सोल्यूट का। तो यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट आपको कितना गिवन है, 8 × 10^-3 ग्राम। तो यहां पर जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट।
वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का वर्क कौन करेगा यहां पर, डाइऑक्सीजन। तो यहां पर सॉल्यूट कौन है, डाइऑक्सीजन। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है, 8 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेस टू -3 ग्राम गिवन है। ये तो हो गया आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो आपके पास अभी फॉर्मूला आप यहां पर यूज करोगे पीपीएम को फाइंड आउट करने के लिए, फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद द 10 द पावर रेस टू 6। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ गया। अब आपको क्या यहां से फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर देखेंगे लैंग्वेज के अंदर आपको मेंशन कर रखा है 8 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर एस टू -3 ग्राम ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन पर किलोग्राम। यहां पर जो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, 1 किलोग्राम। तो यहां पर जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना गिवन है आपको, 1 किलोग्राम। लेकिन अभी मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन किया था, इस फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूशन को किसमें पुट करोगे, ग्राम में आपको पुट करना है। तो आपको किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर लो, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम है डियर फ्रेंड, वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, व्हाट इज द पीपीएम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई विद द 10 द पावर एस टू 6। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वर्क कौन कर रहा है, डाइऑक्सीजन। तो सॉल्यूट है इसका वेट आपको गिवन है 8 मल्टीप्लाई विद द 10 द पावर रेस टू -3 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना है, केजी में पुट नहीं करना आपको, पुट किस में करना है, ग्राम में। तो ग्राम के अंदर आपने पुट कर दिया 1000 पुट कर दिया। और 1000 को आप कैसे मेंशन कर सकते हो डियर फ्रेंड, 10 द पावर रेस टू 3 ग्राम, दोनों का मीनिंग सेम है यहां पर। तो यहां पर मैं इसी फॉर्म में इसको मेंशन कर देता हूं, ये जो आपके पास 10 द पावर रेस टू 3 बोल दो, अदरवाइज 1000 ग्राम बोल दो, सिमिलर थिंग है, मल्टीप्लाई विद, और पीपीएम को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई किसे करना, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब डियर फ्रेंड अगर आप इसको सोल्व करोगे इजीली, तो देखो आपके पास क्या इसका आंसर आएगा, ये 10 द पावर रेस टू 3 है, जब आप ये वाला है वो न्यूमरेटर में कर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी पावर। तो यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, 8 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेस टू -3 मल्टीप्लाई विद 10 द पावर 6। और ये जो 10 द पावर रेस टू 3 है या 1000 है, जब आप इसको न्यूमरेटर में सेंड करोगे तो ये जो पावर है यहां पर प्लस में है, तो ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस में। तो यहां पर क्या बन जाएगा, 10 द पावर रेस टू -3। तो यहां पर टोटल क्या आ रहा है, 10 द पावर रेस टू -6 और 10 द पावर रेस टू 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 8 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये आपके पास इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है यहां पर ppm के रेस्पेक्ट में, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई विद 10 द पावर रेस टू 6। यहां पर जो सॉल्यूट का वर्क कर रहा है डाइऑक्सीजन, और आपके पास जो सॉल्यूशन है उसका कितना बोल दिया, ऑक्सीजन पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है, 1 किलोग्राम को मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, बाकी आपने इसको क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। और जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन की तो कितना पीपीएम आपको ऑब्टेन हो रहा है, 8 पीपीएम, 8 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट वाली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद में इसके लिए भी फॉर्मूला जनरेट करेंगे और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, किस टाइप से डिफाइन किया गया है मोल फ्रैक्शन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नहीं, यहां पर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है डियर फ्रेंड्स, क्या कि यहां पर आपको क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है। तो इस सॉल्यूशन में आपको जिस भी कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इजीली फॉर्मूला क्या है, जिस भी कॉम्पोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रही हो उसके मोल पुट कीजिए, और उसके मोल को किससे डिवाइड कर देना है, टोटल मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। मीन उस सॉल्यूशन में जितने भी कॉम्पोनेंट है उन सभी कॉम्पोनेंट के मोल्स का सम से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, किसको, उस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट का जिसका आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन को एक बार वापिस से रिपीट करता हूं मैं,
it may be defined as the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the components present in the solution. नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट से आपकी ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में, इफ इन ए सॉल्यूशन एन ए एंड एन बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली. नहीं आपने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया जिसमें आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कितने कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, टू कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है. पहला वाला कॉम्पोनेंट कौन हो गया, सोलवेंट हो गया, और सोलवेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एन ए मोल है. इसी टाइप से डियर फ्रेंड जो आपके पास सेकंड कॉम्पोनेंट कौन सा है, सेकंड कॉम्पोनेंट है आपके पास सोल्यूट, और सोल्यूट के कितने मोल है जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो सोल्यूट के मोल को आपने कंसिडर कर लिया एन बी से कंसिडर कर लिया. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, अगर ये वाली कंडीशन है जिसमें आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट है, सेकंड वाला कंपोनेंट सॉल्यूट है, सॉल्वेंट के जो मोल है उस सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट है, एन ए मोल है, और सॉल्यूट के कितने मोल उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एन बी मोल प्रेजेंट है. तो इस वाली कंडीशन में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, मीनिंग जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट के कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, कैसे आप इसको डिटरमाइन करोगे, तो यहां पर आपको इजीली पता है कि मोल फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हो. तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कैपिटल एक्स, और ये जो कैपिटल एक्स जो मोल फ्रैक्शन है किसका काउंट कर रही हो, सबसे पहले सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के लिए आप ऑलवेज किसका यूज करते हो, ए साइन का, और जब भी सॉल्यूट की बात आएगी तो वहां पर अल्फाबेटिकल कौन सा लेटर यूज करते हो, बी. तो यहां पर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रही है, तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, सॉल्वेंट के लिए क्या बोल दूंगा मैं एक्स से ए बोल दिया. अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, डेफिनेशन से. डेफिनेशन में क्या बोला है कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उस कंपोनेंट के मोल को पुट कीजिए और उस कंपोनेंट के मोल को डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. तो यहां पर देखिए एक्स ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, सबसे पहले मोल को पुट करना है, मोल किसके पुट किए, सॉल्वेंट के, तो एन ए का मीनिंग क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. तो उस सॉल्यूशन में कितने मोल है, सॉल्यूट के मोल भी है, सॉल्वेंट के मोल है, तो दोनों को क्या कर दीजिए, एड कर दीजिए. तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए प्लस एन बी. तो ये तो आपने अभी जो किसके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स एक्स ए को कैलकुलेट कर लिया है. अगर इसी टाइप से आपको कैलकुलेशन किसकी करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बी. क्या फॉर्मूला बनेगा देखिए डेफिनेशन में, एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट का आपकी बार फाइंड आउट करना है सॉल्यूट के लिए, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मींस एनबी डिवाइड बाय टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन. तो ये लीजिए सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, टू, तो यहां पर जो टू कंपोनेंट उनके मोल को क्या कर दिया, सम कर दिया. तो ये जो मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन किसके लिए आ गई है, सॉल्यूट के लिए, और ये किसके लिए आ गई है, सॉल्वेंट के लिए. तो जब भी आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, और जब भी आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी. और ये आपको इजीली पता होना चाहिए एन ए यहां पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और एन बी यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट. नेक्स्ट वाली लाइन की ओर मूव कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, मीनिंग जो मोल फ्रैक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. दैट मीन जो मोल फ्रैक्शन है एक्चुअल में कैसा होता है, यूनिटलेस होता है.
क्योंकि जो आपके पास न्यूमिरेटर में भी क्या आ रहा है मोल और डिवाइड में भी क्या आ रहा है मोल, तो मोल से मोल क्या हो गया कैंसिल आउट, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन है ये कैसा क्वांटिटी है यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इन ए सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ए सॉल्यूशन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ऑलवेज कितना होता है यूनिटी होता है, चाहे से फिर से सॉल्यूशन के अंदर चाहे टू कंपोनेंट हो, थ्री कंपोनेंट हो या फाइव कंपोनेंट प्रेजेंट हो, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज कितना होगा डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज वो किसके इक्वल होगा यूनिटी के इक्वल होगा। एक एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं यहां पर, फॉर एग्जांपल इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है डियर फ्रेंड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो, टू कंपोनेंट प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल इन ए बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कॉम्पोनेंट, और वो टू कॉम्पोनेंट अपन ने कौन से कंसिडर कर लिए, कॉम्पोनेंट ए एंड कॉम्पोनेंट बी, ए किसके लिए स्टैंड हो रहा है सोलवेंट के लिए और बी किसके लिए स्टैंड हो रहा है सोल्यूट के लिए। तो यहां पर अगर इसके में मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो सोलवेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कितना हो गया एक्स ए प्लस सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा एक्स बी, तो इनके जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा वन के इक्वल होगा यूनिटी के इक्वल होगा। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है किसी भी सॉल्यूशन में कितने ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है यूनिटी के इक्वल होता है। यहाँ पर एग्जांपल लिया था मैंने किसका बाइनरी सॉल्यूशन का। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एग्जांपल किसका ले लेते हैं, एक टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें टर्नरी सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये लीजिए मैंने टर्नरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल ले लिया जिसमें थ्री कंपोनेंट है ए बी एंड सी, ये तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है किसी भी टर्नरी सॉल्यूशन में, तो इनकी जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स ए, बी कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा एक्स बी, एंड सी के रेस्पेक्ट में इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, इनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा ऑलवेज यूनिटी होगा। नहीं किसी भी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट परसेंट हो उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज कितना होता है वन होता है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, और जैसे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व होगी सॉल्यूशन चैप्टर की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपको उसने कंप्लीट बाइंड अप कर दिया। तो आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डील करते, सबसे पहले देखिए क्या मेंशन कर रखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मीनिंग आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किसका करना है मेथेनॉल का फाइंड आउट करना, और मेथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है CH3OH एंड वॉटर, और साथ में किसका आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वॉटर। जो आपको कंपोनेंट गिवन है टू कंपोनेंट आपको गिवन है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट हो गया मिथेनॉल और सेकंड वाला कंपोनेंट हो गया वॉटर। इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम ऑफ एल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम पर मोल एंड मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इज 32 ग्राम पर मोल। और आपको इस वाली प्रॉब्लम में जो मोलर मास है मिथेनॉल एंड वाटर दोनों का मोलर मास आपको गिवन है, और आपको इनकी हेल्प से किसको कैलकुलेट करना है, किसको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको सोल्व करते, सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर अपन बात कर ले किसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, किस टाइप से आप कैलकुलेट करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल को, तो यहां पर देखिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला बना देता हूं। मिथेनॉल के लिए अगर आपको क्या करना है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मिथेनॉल के मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एक्स से, तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कैपिटल एक्स मेंशन कर दिया,
और यहां पर मिथेनॉल की बात चल रही है तो यहां पर मैंने भी क्या मेंशन कर दिया, CH3OH, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिथेनॉल। क्या फॉर्मूला बन जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल का, मोल्स ऑफ मिथेनॉल दैट मीन्स NCH3OH डिवाइड बाई मोल्स ऑफ मिथेनॉल दैट मीन्स NCH3OH प्लस मोल्स ऑफ H2। तो ये आपके पास इजीली फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी आपको मिथेनॉल के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना तो क्या करना, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल दैट मीन्स मोल्स ऑफ मिथेनॉल इसको डिवाइड कर देना, उस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उन ऑल कंपोनेंट के मोल का सम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब आपको एक थिंग अगर लर्न है तो आपको मैंने ये अंडरस्टैंड करवाया था कि जो मोल है आप इसको फर्दर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो कि इसे मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर मिथेनॉल के रेस्पेक्ट में आप इजीली काउंट कर लोगे, मिथेनॉल के मोल फाइंड आउट कर लोगे और इसी टाइप से वाटर के मोल फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों यहां पर मोल्स ऑफ मिथेनॉल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये लीजिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया मोल्स ऑफ मिथेनॉल। क्या फॉर्मूला है मोल का, मास बाय मोलर मास दैट मीन्स मास ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। तो मास कितना दे रखा है मिथेनॉल का, 4.5 ग्राम। तो ये लीजिए मैंने पुट कर दिया 4.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मिथेनॉल, और मोलर मास कितना गिवन है आपको, 32 ग्राम। तो यहां पर ये आ जाएगा इसके मोल का नंबर आ जाएगा, मोल ऑफ मिथेनॉल है कितना आ जाएगा, 4.5 डिवाइड बाय 32। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डियर फ्रेंड तो आपको कितना वैल्यू ऑब्टेन होगा, 0.14 मोल। तो ये तो आपने मोल फाइंड आउट कर लिए किसके, मिथेनॉल के। सिमिलर थिंग से आपको किसके मोल फाइंड आउट करने हैं, मोल्स ऑफ H2O। तो ये लीजिए यहां पर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं मोल्स ऑफ वाटर। क्या फॉर्मूला है इसका भी, मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O। तो अगर H2O के रेस्पेक्ट में देखते हो डियर फ्रेंड तो यहां पर जो H2O है उसके मोल को फाइंड आउट करने के लिए आपको मास कितना गिवन है, 40 ग्राम ऑफ H2O, दैट मीन मास तो कितना हो गया 40 ग्राम और मॉलिकुलर मास कितना हो गया H2O का, 18। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मोल ऑफ H2O दैट मीन्स 40 डिवाइड बाई 18। और जब आप इसको सोल्व करोगे 40 को डिवाइड करोगे 18 से तो आपको ऑब्टेन होगी कितने मोल, 2.2 मोल। तो आपने सबसे पहले क्या किया है, मिथेनॉल के मोल फाइंड आउट कर लिए और साथ में H2O के मोल को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल XCH3OH। क्या फॉर्मूला अभी मैंने फ्रेम किया था, मोल ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाय मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल ऑफ H2O। तो आपके पास जो मोल ऑफ मिथेनॉल है वो आपको कितना ऑप्टेन हुआ है, 0.14। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.14 डिवाइड बाई मोल ऑफ मिथेनॉल दैट मीन 0.14 प्लस मोल्स ऑफ H2O, H2O का मोल कितना है, 2.2। और जब आप इसको सोल्व करोगे डियर फ्रेंड तो आपको जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है ये कितना ऑप्टेन हो जाएगा, तो डियर फ्रेंड ये आपको ऑप्टेन होगा 0.061। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.061। और यूनिटलेस है तो आपको यूनिट का यहां पर यूज ही नहीं करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो H2O का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, मोल ऑफ H2O डिवाइड बाई मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल। तो यहां पर H2O के मोल कितने, 2.2। तो ये लीजिए वैल्यू पुट कर दी मैंने, 2.2 डिवाइड बाई मोल्स ऑफ H2O दैट मीन्स 2.2 प्लस मोल्स ऑफ मिथेनॉल, और मिथेनॉल के कितने मोल्स है, 0.14। तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया 0.14। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डियर फ्रेंड तो आपको मोल फ्रैक्शन जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O है ये कितना ऑप्टेन होगा, 0.940। ये आपको मोल फ्रैक्शन के यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्टेन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना ऑप्टेन हुआ, 0.940 तो इसका आ गया, और मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0.061 आ जाएगा। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते, थैंक यू।